गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पे, जिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल। ठीक है जी, और इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल देख लिए हैं, आज कुछ क्वेश्चन और देखने वाले हैं इस क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना जी। ठीक है, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहा बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई उसने दिया कि समबाहु त्रिभुज की, जो समबाहु त्रिभुज उसने दे दिया उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई उसने दे दी 14 सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज हो गया जी आपका, ये उसने दे रखा है, आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई की और भुजा में आपको संबंध मैंने कल बताया था, क्या बताया था जी, अगर उसकी ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आप उसकी भुजा में क्या संबंध होता है, रूट थी, आपको ये ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज्ञात करनी है आपको, एच की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब इन दोनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, हाइट इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा, ये आपका एक संबंध होता है समबाहु त्रिभुज की हाइट और उसकी भुजा में। अब यहां पे आपको भुजा की लंबाई दे रखी है, आपको पूछ रहा है हाइट, तो डायरेक्ट रख दीजिए अंडर रूट 3/2 गुणा आपकी भुजा कितनी है 14, तो ये आ जाएगा 7, यानी आपकी हाइट आ जाएगी 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप फॉर्मूले भी, आपको एक फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि कैसे क्या फॉर्मूले कहां से निकलते हैं, आप वहां से भी निकाल के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने दिया कि ये तो सेम क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, अगर प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये प्रत्येक भुजा यानी ए आपको दे दिया उसने 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो एच आपका कितना होगा जी, समबाहु त्रिभुज का एच यानी अंडर रूट 3/2 गुणा ए, आपकी अंडर रूट 3 तो आपका रहेगा जी और बटे 2, और आपकी लंबाई कितनी दे रखी है प्रत्येक भुजा 6, तो आपकी आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर, ये आपका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो दोनों सेम क्वेश्चन थे। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दे रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, जो 84 मीटर स्क्वायर है तथा आधार 12 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब उसने दिया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दे दिया 84 मीटर स्क्वायर और उसकी आधार की लंबाई उसने दे दी जी, आधार की लंबाई 12 मीटर, आधार की लंबाई उसने दे दी 12 मीटर, आपसे पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी उस त्रिभुज की। ठीक है, ये आपसे वो पूछ रहा है। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन, कल आपको एक बताया था, संबंध बताया था क्या, कि अगर ये त्रिभुज है, अपने को नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, अगर इसका आधार ये है और अगर इसकी ऊंचाई ये है, मान लो अगर अपने को ये दोनों चीजें पता होती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ये संबंध मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वही कंडीशन यहां पे। अब यहां पे वो एरिया कितना दे दिया, ट्रायंगल का एरिया अपने को दे दिया उसने, यहां पे उसने ट्रायंगल का एरिया अपने को दे रखा 84 मीटर स्क्वायर, 1/2 आधार कितना दे रखा है, आधार 12 मीटर। ठीक है, आपसे हाइट पूछ रहा है, h मान लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 84 × 2 इक्वल्स टू 12h, h की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 84 × 2/12, अब यहां से 7 बार कटेगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 × 14 मीटर में, आपकी मीटर ये आपकी वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब त्रिभुज का आधार दे रखा हो और ऊंचाई में संबंध अगर अपने को दोनों को पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी अपने को दे रखा है कितना 84, आधार की लंबाई अपने पास कितनी है 12 मीटर, ऊंचाई कितनी है जी h, मान सकते हैं यहां से h की वैल्यू निकाल ली, वही आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इजी है टॉपिक, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन टूटक हो जाते हैं एग्जाम में, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी फिर हार्ड लगने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 4। इसने दिया कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9/12, भुजाओं का अनुपात है जी 9/12/15, ये है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल वो उसने दे दिया जी 216 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेमी स्क्वायर है जी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अब यहां पे आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं ठीक है। अब नॉर्मल भाई आपको ये पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है तो ये तो होता ही है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पर लेकिन इसको करने के तरीके दो हैं। अब पहला तरीका तो हम मान सकते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात 9x 12x और यानी वो भुजाएं 9x और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है भुजाओं का अनुपात 9x अनुपात 12 अनुपात 15x ये हो सकता है जी। अब यहां से अगर आप निकालते हो तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार, आधार अब यहां से आपको आधार लंब और ऊंचाई, आधार यानी लंब हो गया आपकी ऊंचाई और ये आपका कर्ण। अब जो संख्या त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है वो क्या होता है आपका कर्ण होता है कि नहीं होता, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। तो यहां पर आपका आधार कितना हो जाएगा आपका 9 मान लीजिए यानी 9x और आपका लंब कितना हो जाएगा 12x और सबसे बड़ी भुजा है आपकी। अब यहां से आपको देखने वाली चीज है कि आपको ये क्या पता चला कि समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है इसका पता हमको ऐसे चला क्योंकि एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब 3 4 5 ये तो हमको अनुमान लगाना ही पड़ेगा जी। अनुमान कैसे कि 3 4 5 अब इसका मल्टीप्लाई 3 इसका मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 3। अगर ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रिपलेट काम में आएंगे टाइम बचाने के लिए आपके कंपटीशन एग्जाम में, कैसे कि इसका ट्रिपलेट का अगर मल्टीप्लाई 3 करता हूं इसका मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो ये वैल्यू आती है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब ये ट्रिपलेट किस में काम में आती है, ये एक समकोण त्रिभुज में काम में आती है ठीक है जी। कैसे अब इनका भी अगर आप दोनों का स्क्वायर करके देखोगे 9 स्क्वायर = 12 स्क्वायर तो ये आपका 225 ही आएगा ठीक है जी, 15 का स्क्वायर ही आएगा तो ये आपकी हो गई जी एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आपका क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार आपका ये होगा, ऊंचाई आपकी लंब होगी और आपकी वैल्यू दे रखी थी उसने 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको उसने दे रखी है। अब यहां से अगर आप काटोगे तो 2 6 12 ठीक है जी और ये आपका हो गया जी 36 ठीक है जी, 36 बार कट गया और ये आपका जी हो गया 9 4 36 और आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया जी 4। एक्स की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आपकी वैल्यू आएगी जी 2 सेंटीमीटर ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई जी। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है परिमाप, अगर आप परिमाप निकालना है किसी त्रिभुज का तो आपको क्या चाहिए भाई। मैंने आपको शुरू में फर्स्ट क्लास में ये चीज बताया था कि ए बी सी ये तीन भुजाएं हैं आपको परिमाप निकालना है, अगर परिमाप निकालना है तो आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई होनी जरूरी है। अब तीनों भुजाओं की लंबाई निकालोगे तो पहली भुजा की लंबाई यहां से एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 12 × 24 यानी 9 × 18 और ये 12 × 24 सेंटीमीटर और ये आपका 15 × 2 यानी ये 30 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाओं की आपकी लंबाई हो जाएगी। तीनों भुजाओं की लंबाई अगर आप देखोगे तो आपका 30 20 50 और 10 60 और ये 72 सेंटीमीटर यानी आपका तीनों भुजाओं की लंबाई a प्लस b प्लस c आपका कितना आ गया जी 72 सेंटीमीटर और यही आपका परिमाप है जो आपसे वो पूछ रहा है। ये तो हो गया बेसिक तरीका जो हम एग्जाम में करते हैं ठीक है जी। अब होता है हमारा टाइम सेविंग जो मेथड है जिसे हम करते हैं वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं जी। ठीक है कैसे करते हैं देखना, हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे, एक की वैल्यू निकालते हैं जैसे ही मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और बट्टा और जैसे हमने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक की वैल्यू निकाल के हमने क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरीके से यहां पे भी एक की वैल्यू निकाल के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जी। ठीक है अब आपको ये एक ट्रिपलेट है जी, आपको पता चल गया कि ट्रिपलेट है 9 12 15 ये आपकी एक समकोण त्रिभुज की एक ट्रिपलेट है तो आपको ये भी पता होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब मैं यहां से डायरेक्ट लिख दूं कि 1/2 गुणा 9 गुणा 12 इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये चीज ध्यान में रखना, यहां पे गलती होगी। अब यहां से अगर मैं निकाल दूं डायरेक्ट एक्स लेने की जरूरत नहीं है ठीक है, अब यहां से निकालू 6 और ये आपका कट गया 36 और ये आपका कट गया जी 4 यानी एक की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेमी स्क्वायर आया है। अब गलती हम क्या कर देते हैं हमारे पास एक की वैल्यू आ गई जी 4 सेमी स्क्वायर यहीं पे हम गलती कर देते हैं, अभी अपनी वैल्यू सेमी स्क्वायर में है जी, भुजाएं अपनी किस में होती है सेमी में होती है ठीक है जी।
क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनमें होता है, स्क्वायर में होता है, और आपका जो भुजाएं होती है वो सेंटीमीटर मीटर जो डायरेक्ट वैल्यू होती है उसमें होती है। मतलब आपके पास अगर हम इसकी सेंटीमीटर की वैल्यू निकालूंगा तो भाई स्क्वायर को अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी, दो आ गई जी, एक की वैल्यू मेरे यहां पे दो सेंटीमीटर आ गई, मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी, एक की वैल्यू दो सेंटीमीटर। इसका टोटल अनुपात कितना है, टोटल भुजाओं का अनुपात कितना है, 9 + 12 + 15 कितना है, ऐड कर लीजिए 15 9 24 और 24 से 12 36 यानी 36 है। अब मेरे को एक की वैल्यू कितनी है, दो सेंटीमीटर निकालना, किस कितने की वैल्यू 36 की, 36 की वैल्यू एक की वैल्यू दो सेंटीमीटर, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, 36 × 72। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर दोगे जी, ठीक है। कैसे किया कि ये आपको पता चल गया कि ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई, ठीक है जी, कर दिया, ये हो गया आपका क्षेत्रफल के इक्वल रख दिया, एक की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको भुजाएं निकालनी है, भुजाएं निकालनी है तो आपको सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, अगर सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए तो आप इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, एक का अंडर रूट तो वही एक आएगा और चार का अंडर रूट दो, एक की वैल्यू आगे आपकी 2 सेंटीमीटर। टोटल भुजाओं का योग अनुपात में कितना दे रखा है, 9 12 15 यानी 36 आपको निकालनी वैल्यू कितनी की है, 36 की, आपके पास एक की वैल्यू है, आपके पास 36 की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास 36 × 72। तो ये आपका इजी तरीका रहेगा आपका करने का और टाइम सेविंग तरीका भी रहेगा आपका, ठीक है जी। आप एक्स मान के चलोगे आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है, जब तक आपका काम बिना एक्स माने निकल रहा है तो आप क्यों एक्स मान के करेंगे जी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन उसने दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आधार 4 मीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है जी, हो गया, इसने दिया एरिया है इसका 30 वर्ग मीटर यानी 30 मीटर स्क्वायर हो गया जी। दूसरी चीज उसने अपने को दी है कि आधार इसका 4 मीटर है, 4 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, एच आपसे पूछ रहा है, अब एच आपसे वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहे हैं, आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इसका वैसे कितना होता है, सूत्र 1/2 आधार × ऊंचाई हाइट, यानी बेस × हाइट ही तो होगा, बेस × हाइट यही तो है। आपकी वैल्यू एरिया कितनी दे दी इसने, 30, 1/2 × बेस कितना है आपका, बेस आपको उसने दिया 4 × हाइट आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है जी। आप यहां से काटोगे इसको तो 2 से ये कट जाएगा आपका और ये 15, ठीक है जी, और ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो हाइट आपकी जी कितना आ जाएगी, 15 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया, आपको एरिया उसने एरिया जो दिया टोटल एरिया, वो टोटल एरिया उसने दे रखा आपने को 30 वर्ग मीटर, ठीक है जी, 30 वर्ग मीटर हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसकी आधार की जो लंबाई है वो 4 मीटर है और जो इसकी हाइट है वो अपने को बतानी है जी। अब हाइट अगर अपने को बतानी है तो हाइट अपनी कितनी आ जाएगी, 1/2 × बेस × ऊंचाई, ये आपका क्या होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब यहां से अगर वैल्यू कितनी दे रखी है एरिया के 30 मीटर, यहां पे रखेंगे 1/2, आधार की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, एच की वैल्यू एच निकालने काटेंगे यहां से 2 से 2 कट जाएगा यहां पे और यहां से 2 से ये 15 बार, तो एच की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 30 मीटर, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक संपूर्ण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां देखना कि उसने आधार दिया आपको, आधार दिया आपको कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है जी, और कर्ण दिया जी, कर्ण दिया आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल से आपसे पूछ लिया। अब इसके करने, इसके भी करने के तरीके तो आपको ये तो पता होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। अब आपको पता है कि मेरे पास आधार तो है, आधार तो है और करण है, ठीक है, आधार और करण है, पर लेकिन मेरे पास ऊंचाई नहीं है, मेरे को ऊंचाई चाहिए, यानी आपका या आपके पास या आपका अगर समकोण त्रिभुज मान के चले आप, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया तो आपके पास इसकी वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर और आपके पास है 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 13 सेंटीमीटर है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए यानी हाइट, यानी आपको
उसकी ऊंचाई चाहिए यानी लंब की वैल्यू चाहिए। एक तो आपको पता है इसके में जो संबंध क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। h की वैल्यू निकालोगे तो माइनस क्योंकि का स्क्वायर स्क्वायर रूट आपका 144। h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। एक तरीका तो आपका ये हो गया जी h की वैल्यू निकालने का, ठीक है। यहां से भी आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मूला में रखे हो तो मान निकलेगा याद। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको ट्रिपलेट का बताया था, क्या बताया था? एक ट्रिपलेट मैंने क्या बताई थी आपको, 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट है, इसके गुणज भी इसके ट्रिपलेट पे आ जाएंगे। दूसरी एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताई थी, याद हो तो आपको, 5, 12, 13। अब ये देखिए यहां पे बेस कितना हो गया 5 और मेरी यहां पे हाइट अगर 12 है तो मेरी करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही कि नहीं आ रही भाई? आप इसका 5 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 25 प्लस इसका 144 दोनों कितने होंगे 169 और वो स्क्वायर किसका होता है, अंडर रूट कितना होता है 13 का। तो वही चीज है, अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको ये मैंने वो शुरू में निकाल के दिखाया, वैसे हाइट निकालने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको। यहां से आप डायरेक्ट आपकी हाइट आपको पता चल गई, आपकी हाइट कितनी आ गई जी 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहां से वैल्यू निकाल दीजिए, आप 1/2 गुणा आधार कितना आपका 5 गुणा 12, यहां से 6 कट जाएगा और 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा जी, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, पर लेकिन ये तरीका मेरे को ठीक लगा क्योंकि इसमें आपका टाइम सेविंग है। आपको डायरेक्ट कुछ ट्रिपलेट याद रखनी है, 3, 4, 5 हो गया, फिर इसकी गुणा जैसे 6, 8 और 10 हो गया, ठीक है जी। आप यहां से 9 और फिर ये 12 और आपका 15, ये आपकी एक ट्रिपलेट बन जाएगी फिर, ठीक है। अब यहां से आपका 7, 24 और 25 ये भी एक आपका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट है जो ही बार बार क्वेश्चन में काम में आती थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया उसने, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का आधार 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? भाई आपको दिया उसने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज मान लेता हूं कोई भी एक त्रिभुज मान लेता हूं, मेरे को नहीं पता इस पर कि उसका क्षेत्रफल उसको दिया उसने, एरिया दिया है आपकी बार उसने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको उसने एरिया दे दिया। अब वो आपसे त्रिभुज का आधार आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर, ये आपको आधार दे दिया, आधार हो गया जी आपका 25 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, अब त्रिभुज की ऊंचाई आपसे वो पूछ रहा है। तो भाई मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था कि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसकी एक भुजा से अगर मैं उसके शीर्ष से एक लंब डालता हूं तो वो उसकी क्या होगी, हाइट होगी कि नहीं होगी, हाइट होगी कि नहीं होगी, और उसका क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल और हाइट और बेस में मैंने क्या संबंध बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार, तो आपका रहेगा ही रहेगा जी, क्योंकि आधार तो वो क्या कौन सा, फिर आधार हम कौन सा मानेंगे, सामने वाले शीर्ष से जिस भुजा पे लंब डाला गया है वो आपका बेस होगा जी, आपका बेस यहाँ पे ये हो गया और ये ऊंचाई आपकी ये जो आपने लंब डाला है वो हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहां पे आपको उसने क्या दिया, एरिया दिया, एरिया कितना दिया जी 84 सेंटीमीटर, 1/2 ये आपका रहेगा, आधार आपको कितने दिया उसने 25 सेंटीमीटर। आपसे वो पूछ रहा है हाइट, हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से h की वैल्यू अगर निकालोगे तो 84 × 2/25 होगा कि नहीं होगा, आपका 25 होगा। अब आप कट तो नहीं रहा है क्योंकि 5 से भी नहीं कट रहा, किसी से नहीं कट रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी 8 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू अगर निकालते हो तो h की वैल्यू आपकी आएगी 150 हो जाएगा, 150 के बाद में कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 में आप फिर से भाग दोगे पॉइंट लगेगा पहले तो आपका, ठीक है, 18 में फिर से भाग दोगे तो 25 × 7 = 175 5 बचेगा और 25 × 50 आपकी हाइट की वैल्यू आ गई जी 6.72 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा, कैसे, आपको किसी भी ट्रायंगल में मैंने बता दिया कि किसी भी ट्रायंगल में उसकी सामने वाली भुजा पे डाला, किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब, ये जैसे यहां पे कोई ट्रायंगल है, यहां से अगर मैं लंब डालता हूं इस भुजा पे तो वो त्रिभुज की क्या होगी, वो त्रिभुज का बेस होगा जी, ठीक है, और वो उसका हाइट हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आपका आधार क्षेत्रफल आपको उसने दिया है 84, आधार आपके पास 25 सेंटीमीटर हो गया, हाइट अपने पास
मान लेते हैं एच, एच की वैल्यू निकालनी, एच की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी 6.72 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इस क्लास में बस इतना ही। ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे वाले क्लास में हम वो क्वेश्चन लेंगे जो पीछे वाले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो उससे अपने को पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।